मेरे ख्याल इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई है, पर ममता जी अगर ऐसा कह रही थी फिल्मी डायलॉग के, फिल्मी डायलॉग से देश नहीं चलता है। देश चलाने के लिए भारत का संविधान है, कानून है, और जब कोई कानून बना है तो फिर सबको पालन करना पड़ेगा, चाहे वो ममता जी हो चाहे कमलनाथ जी हो। मुझे लगता है कि भारत के संविधान में ये अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, और पासपोर्ट बनाना, वीज़ा देना, नागरिकता देना, ये यूनियन गवर्नमेंट का काम है। और इसलिए जब कोई दोनों सदनों में बिल पास हो जाता तो राज्य सरकार की जवाबदारी है कि उस बिल को के अनुरूप काम करें। इस प्रकार तो अराजकता हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को प्रजातंत्र के मूल्य को समझना चाहिए और जो बिल संसद में पारित हुआ है उसका समर्थन करना चाहिए।